सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैंने सुबह सुबह नहा धो लिया है। क्यों? क्योंकि आज भाई त्यौहार है, मकर संक्रांति है। आज सभी को जय बाबू की तरफ से हैप्पी होली। भाई मारो, मुझे मारो, मारो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हैप्पी मकर संक्रांति। ओके ओके, तो आज मकर संक्रांति के इस त्यौहार पर हम बहुत बढ़िया सी जगह पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि चाय की जो तलब होती है वो वाकई में जब शिखर पर हो जाती है तो मतलब अब ऑर्डर मिल चुका है कि भाई पहले चाय बनाई जाएगी, क्योंकि चाय से एनर्जी आती है। अच्छा, अब हम चाय बनाएंगे, उसके बाद चाय को पीने के बाद हम निकलते हैं, ठीक है? भैया के लिए बनाई जा रही है चाय, और उसमें से कुछ बच गई तो हमारे लिए भी। चलो चलते हैं। तो ये है हमारी किचन और हम बना रहे हैं इस समय चाय, और फिर बनाएंगे हम खाना। मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मम्मी बनाएंगी। शक्कर के चाय पिए कभी आप? नहीं। तो ये है हमारी चाय पत्ती। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अपने जब चाय बनाते हैं एक कप, तो उसमें कितनी चाय पत्ती डालते हैं? कमेंट करना भाई। हम तो इतनी डालते हैं, थोड़ी सी और डाल देते हैं, कम है। ओके, इनफ है शायद। आ जाते हैं उसके बाद हम शक्कर बनाएं। भाई शक्कर बहुत जरूरी होती है। देखो उफान आने लगा है, बहुत कड़क है भाई। नहीं खुल रहा, दोनों हाथ से खुलना पड़ेगा। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है कैसे? सिंपल, वीडियो को पॉज कर देंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कितने डाल दूं? ये शक्कर जा रही है, जा रही है। ओह नो, डाल दी। चलो शक्कर डाल चुकी, अब जरा इसमें उबाल आने दो। बढ़िया अब तरीके से बन रही है चाय। दूध कहाँ है? हम भी कितने अंदर, दूध तो सामने ही रखा है। डंका नहीं मिल रहा यार, डंका 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 डंका, डंकी नहीं मिल रही हो भाई। आज मैं गया, आज तो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओह नो, इस पूरी किसी में डंका नहीं दिख रहा है। डंका चाय महारानी, दूध में नहानी, कप में सिरानी, और मुंह में जानी, और फिर बाहर आनी। कहां से आनी ये आप जानते हैं। तो दोस्तों मुझे माफ कर देना, साउंड क्वालिटी अच्छी ना आए तो। मेरे पास यार अच्छा सा माइक नहीं है, बिना माइक की शूट करता हूँ। वैसे मैं इसको लाउड करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं, हम तो वेले हैं, चाय बना सकते हैं, करते हैं इंतजार जब तक। क्या दिक्कत? सही बताना, तुमने चाय बनाई है? किस किसने बनाई? हाथ ऊपर करना पड़ेगा।
अब वो कैसे करोगे वो तुम जानो, मुझे फाइनली इतनी मशक्कत हो के बाद चाय रेडी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सोच रहे हो चाय तो बहुत थी। भिड़ो भिड़ो भाई साहब के लिए बनाई थी, वो तो ये बच गई तो अपने भी। मन कर रहा है ना, मन कर रहा है ना, मन कर रहा है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। उस कमरे में है हमारी माँ जो कि पूजा कर रही है। चलो तो हम आपको मंदिर भी दिखाते हैं हमारा घर का। देखो भाई अपन है डरपोक, अपन को लगता है डर, इसीलिए ऐसी हरकतें ना करें जिससे हमको। समझ रहे हो आप, चाहते कि ये चीज हमारे यहाँ आए, इसलिए चुपचाप निकल लो। देखो ऐसा है दोस्तों कि अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि देखो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उस पर जो हम लड़ुआ बनाते हैं, लड़ुआ हमारे यहाँ तो भाई लड़ुआ ही कहते हैं, अब आप किधर क्या कहते हैं, लड्डू या कुछ और? भाई लड्डू को लड्डू ही तो कहेंगे और क्या कहते हैं। हाँ तो लड़ुआ उर्फ लड्डू जो हैं बनाए गए हैं, तो उनका सबसे पहले जो प्रसाद जो भोग लगता है वो हमारे इधर भगवान को लगाया जाता है। ब्राह्मण है भाई और सभी लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले भगवान के आगे चढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम सुबह सुबह उठे, बढ़िया नहाया धोया और अब जाएंगे हम भगवान के द्वार पर और वहाँ पर हम चढ़ाएंगे प्रसाद यानी लड्डुओं का भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले उनके चरणों में उसके बाद हमारे पेट में। तो चलिए बिना किसी देर ही चलते हैं, माँ आने वाली हैं कुछ ही देर में और फिर हम निकलते हैं सैर पर। तो धनु हमारी तैयार बैठी हुई है बाहर, उसके बाद निकलते हैं, माता भी आ रही हैं ऊपर से। मंदिर कहते हैं इसे और पूरा कांच से बना हुआ। सदर बाजार और यहाँ का बहुत फेमस मंदिर मुरली मनोहर मंदिर, जल्दी दर्शन कराते हैं। हमारी माता जय हो। Oh,
आ चुके हैं हम अपने वापस घर, और मुझे बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मजा आया, बिहार जी के दर्शन और श्री राम भगवान जी के दर्शन आपको कराया। सुंदर मंदिर है, दोनों ही बहुत बेहतरीन मंदिर है, बाकी बिहार जी का मंदिर। वहाँ पर तो दोस्तों इतना अच्छा लगता है, मन करता है कि वहाँ पर जिंदगी भर बैठे रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम उनको भोग लगाते हैं, और बस आज ये भोग का कार्यक्रम था। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ये मेरी प्रार्थना है सिर्फ भगवान से। इस साल आपका मंगलमय हो, हंसमुख हो, आप खुशी से झूमते रहें। और बस यही प्रार्थना है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब मिलके इस व्यक्ति को रोटी सल्यूट दें।